सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आप जान सको कॉस्मेटिक वर्ल्ड की सच्चाई कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रिजल्ट देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का जो हमारा हेयर ऑयल होने वाला है वो है महाभृंगराज केश तेल। तो कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिल जाएगा। ये डाबर कंपनी का है, भी और भी कई ब्रांड का आता है, बट मैंने डाबर का प्रेफर किया और आपको भी सलाह देना चाहूँगा कि ये हेयर ऑयल क्यों यूज करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग आपने को देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं इसकी MRP की, तो 60 रुपये का ये आपको 100 ml का मिल जाएगा। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे या फिर मेडिकल शॉप पे या फिर जो भी मार्ट होते हैं, डीमार्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। अब इसको कर लेते हैं ओपन और बात करेंगे कि इस हेयर ऑयल को क्यों यूज करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें महाभृंगराज ऑयल पाया जाता है इस ऑयल के अंदर। तो देखिए कितना गंदा सा निकला हुआ है फिलहाल। इसमें धूल मिट्टी जो भी चली गई हुई है, आपके सामने ओपन किया है तो कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आप या फिर हेयर ऑयल खरीदे तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर जांच ले। तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5/18 और एक्सपायरी होगा 5/2021 को। तो दोस्तों ये इसको डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है और वही इसको सेल्स भी करता है। अब बात करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स की क्या पाए जाते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से केवल और केवल भृंगराज ऑयल से नहीं बना हुआ है, इसमें मिनरल ऑयल भी ऐड किए जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में आपको साफ साफ देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे वेजिटेबल इंक्लूड भृंगराज एक्स्ट्रा 50%, 58% भृंगराज जो वेजिटेबल होते हैं उनसे ऑयल निकाल के ऐड किया गया और 40% मिनरल ऑयल ऐड किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इसको कम भी किया जा सकता था। यहाँ पे 58 की जगह 78 या फिर 80% तक ही कर सकते थे, बट नहीं किया गया। और यहाँ पे थोड़े बहुत केमिकल ऐड किए गए। तो अगर आपको इस हेयर ऑयल को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, बट बात करें अगर ये आपके बालों को क्या लंबा करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए इसको यूज करने से आपके बाल झड़ेंगे नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ, बट लंबा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो भी मेरी शॉप से एक बार कस्टमर ले गया उसने दोबारा नहीं मंगा, और मैंने भी उन लोगों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि मुझे फ़ायदा नहीं करता या फिर ठीक ठाक है लेकिन उनसे हैप्पी नहीं है। तो ये रिव्यू है कस्टमर का, क्योंकि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और चैनल पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।